नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में महागठबंधन की सरकार में शह और मात की चाल दोनों ओर से चली जा रही है। जितने शातिर नीतीश हैं उतने ही शातिर लालू प्रसाद यादव भी हैं। दोनों ही राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपनी जाल में फांसने में लगे हैं। नीतीश और आरजेडी में हुई डील अब नया सियासी मोड़ ले रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरजेडी की पोल खोलने में लगे नीतीश। महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और जेडीयू में जितनी अंतरंगता 3 महीने पहले दिखी थी वह अब आहिस्ता आहिस्ता तिरोहित होती जा रही है। अपने बेटों का गार्जियन बनाकर तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। नीतीश कुमार भी बड़े भाई की इस उदारता से काफी खुश थे। लोगों को लगा कि सचमुच दोनों भाइयों का हृदय परिवर्तन हो गया हो, पर 6 महीने भी नहीं बीते कि खटपट की आहट सुनाई देने लगी है। इशारों ही इशारों में दोनों ओर से एक दूसरे को औकात बताने की सीधी चालें चली जा रही हैं। इसे दोनों ही समझ रहे हैं, लेकिन कोई अपना पत्ता खुलकर खोल नहीं रहे। इस खेल में देखना है कि लालू यादव जैसे तपे तपाए पॉलिटिशियन और नीतीश कुमार जैसे सियासत की उठापटक की आहट पहचानने वाले नेता में कौन मात खाता है। नीतीश कुमार बार बार इस बात का एहसास कराते रहते हैं कि उनके सत्ता में आने से पहले बिहार की हालत ठीक नहीं थी। पहले कोई काम नहीं होता था, उनके आने के बाद कितना काम बिहार में हुआ और हो रहा है। पहले की तरह वे कभी खुलकर नहीं कहते कि लालू राबड़ी के राज में बिहार की दुर्गति हो गई, जंगल राज कायम हो गया था। यानी इशारों में वे आरजेडी की अक्सर पोल खोलते नजर आते हैं। साल 2024 और 2025 के राजनीतिक संग्राम को लेकर बिहार में राजनीति अभी से ही तेज है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बाद पर बगावती तेवर वाले अंदाज में अब तक तो उपेंद्र कुशवाहा ही सामने आए, लेकिन अब ललन सिंह भी इस बात को साफ नकारते हुए नजर आए। यहां नीतीश कुमार एक ओर तेजस्वी की ताजपोशी का दावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर जेडीयू कार्यकर्ता बगावती अंदाज में नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बातें नीतीश की कहते मातहत। नीतीश कुमार के सियासत की यह सिद्ध रणनीति रही है कि वे कभी अपनी इच्छा खुद नहीं बताते। इसके लिए वो अपने मातहतों के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, खुद पर्दे के पीछे रहते हैं। मौजूदा समय में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं। एक तरफ नीतीश अपने डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व सौंपने की घोषणा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उसे खारिज कर देते हैं। ललन सिंह कहते हैं कि 2025 की बात अभी दूर है, पहले 2024 देखना होगा। राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी एक टर्म और काम करने की क्षमता नीतीश कुमार में है। ललन सिंह जैसी बात कहने पर उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू छोड़नी पड़ी, लेकिन अब वही बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक अतीत के अनुभव यही बताते हैं कि बातें नीतीश की होती हैं पर कहते उनके मातहत हैं। नीतीश कुमार राजनीति के इतने मंझे खिलाड़ी हैं कि वो हर जगह अपना झंडा गाड़ ही लेते हैं। इनका कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी के साथ रहा। जब भी ये बीजेपी के साथ सत्ता में आए तब नीतीश बाबू ने बाजी मार ली। बड़े भाई का हवाला देते हुए नीतीश बाबू ने बीजेपी की बराबर सीटें ले ली। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी से नीतीश का बार्गेनिंग अंदाज। बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए का हिस्सा रहते नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी को काबू में रखते रहे। कभी कमजोर भी हुए तो जेडीयू में उनके मातहत नीतीश के व्यक्तित्व का हवाला देकर हमेशा उन्हें बीजेपी का बड़ा भाई साबित करते रहे। बीजेपी से मन बेमन से कबूल भी कराते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को तब 22 सीटें आई थी। 2019 में नीतीश साथ आए तो बड़े भाई होने का हवाला देकर उन्होंने बीजेपी के बराबर सीटें ले ली, यानी दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा।
नीतीश को बड़ा भाई कबूल करने में बीजेपी को अपनी जीती हुई 5 सीटों का त्याग करना पड़ा। इस खेल में नीतीश की दूसरी सफलता ये रही कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवार सांसद निर्वाचित हो गए। उस पूरे खेल में नीतीश की जुबान कभी नहीं खुली, लेकिन उनके मातहतों ने पहले से ही बड़े भाई का राग अलापना शुरू कर दिया था। इसका परिणाम बीजेपी के बराबर सीटों के रूप में सामने आया था। नीतीश की हर चाल पर आरजेडी की पैनी नजर है। इसी कारण आरजेडी भी महागठबंधन सरकार में नीतीश का सामना बड़े ही सावधानी के साथ कर रहा है। नीतीश डाल डाल है तो यहाँ लालू यादव पात पात हैं। दोनों ही एक दूसरे पर भारी हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि यहाँ सिर्फ गठबंधन सरकार नहीं बल्कि नहले पर दहले वाला खेल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी जानती है नीतीश की नीयत। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी नीतीश की नीयत और चाल को समझते हैं। वो न भी समझ रहे हों तो उन्हें समझाने के लिए उनके पिता लालू प्रसाद यादव उनके पास हैं, जो अब तक यह नहीं भूले होंगे कि आरजेडी को लंबे समय तक राजनीतिक वनवास में रखने वाले और कोई नहीं नीतीश कुमार ही हैं। यही वजह है कि नीतीश की हर चाल का आरजेडी बड़ी सावधानी से जवाब दे रहा है। वहीं तेजस्वी भी संकेतों में नीतीश को समझा रहे। नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे अपने विधायक सुधाकर सिंह का अब भी नीतीश के प्रति आग उगलना यही तो साबित करता है। सुधाकर को शो कॉज देकर आरजेडी ने नीतीश को शांत करा दिया। नीतीश की नाराजगी के बावजूद आरजेडी अपने कोटे के मंत्री चंद्रशेखर को हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर बयानबाजी से रोक नहीं रहा। नीतीश की अध्यक्षता में हो रही बैठक में तेजस्वी की कुर्सी 2 घंटे तक खाली रही। नीतीश उनका इंतजार करते रहे। बेपरवाह अंदाज में तेजस्वी 2 घंटे बाद आए। इतना ही नहीं, इसी बीच आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने बयान दे दिया कि होली बाद बिहार का निजाम बदल जाएगा, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी को सौंप देंगे। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें नीतीश कुमार भी बेशक समझ रहे होंगे। बहरहाल बिहार में अब सीएम की कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है। जहां एक ओर आरजेडी नेता विजय कुमार का ये बयान आया है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के नए सीएम बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह ने इस बात पर एतराज जताया है। अब नीतीश बाबू एक तरफ आरजेडी डील से बंधे हुए हैं, वहीं जेडीयू पार्टी में अंदर ही अंदर नेताओं के बगावती तेवर भी सह रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।